हूँ अनुपा और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक रेसिपी ऑफ बाजरे की रोटी. नॉट जस्ट बाजरे की रोटी, इट्स स्टफ बाजरा रोटी. और बाजरे की रोटी में स्टफिंग हम किस चीज़ से करेंगे? वी विल यूज़ स्वीट पटेटो. तो शकरकंद और बाजरा, वेरी हेल्दी कॉम्बिनेशन इजंट इट. आजकल सब लोग कहते हैं कि डोंट ईट व्हीट. व्हाट डू यू ईट इफ यू वांट टू ईट अ रोटी? यू कैन हैव बाजरा की रोटी, यू कैन हैव नाचनी विच इज़ रागी, फिर आप जवार खा सकते हो. तो गेहूं को अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो हमारे पास ये तीन ऑप्शंस हैं. आज बना लेते हैं बाजरे की रोटी. सो बाजरे की रोटी के लिए वी नीड टू फर्स्ट मेक द डो. तो डो कैसे बनाएंगे? एक हमें माप या मेजरमेंट लेना है, 1 कप वाटर. और 1 कप वाटर जो है इसे उबलने देना है. इसमें हम डाल देते हैं नमक, दैट्स इट. और इसे ढक देते हैं. यहाँ पे जो तवा है इसे भी मैं गरम कर लेती हूँ. और इसमें मैं डालने वाली हूँ कसूरी मेथी. कसूरी मेथी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये नागौरी वैरायटी की है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट भी ठीक ठाक ही होता है. और ये देखिए ज़्यादा पत्ते हैं इसमें, स्टेम्स भी नहीं है. सो गैस बंद कर लेती हूँ. बस थोड़ा सा टोस्ट करना है इसे. टोस्ट करने के बाद इसे मैं एक परात में निकाल लेती हूँ क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे स्टफिंग में. एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्टेस्ट क्वेश्चन इन द वीडियो, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए. लेट्स कम बैक टू द पानी. ये पानी देखिए उबल चुका है. इसमें डाल देती हूँ मैं ये बाजरे का आटा. आटा डालने के बाद गैस बंद कर लीजिए और इसको बस आप एक बार इस तरह से मिक्स कर लीजिए. अगर देखा जाए तो ये तो कोई डो नहीं लग रहा, बन जाएगा. तो ये कसूरी मेथी जो है ना, इसको एक बोल में निकाल लेती हूँ. और इसी परात में अब हम ले लेते हैं ये बना हुआ डो. फिलहाल तो ये बहुत ही गर्म है, इसे बस इसी तरह से मैं छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए. तब तक जो है हम एक स्टफिंग बना लेते हैं. सो वील टेक सम चॉप्ड अनियन एंड लेट्स ऐड सम चाट मसाला. उसके साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आई लाइक इट स्पाइसी, एंड सम फ्रेश कोरिएंडर. नमक तो हम डाल ही सकते हैं. और जो हमने कसूरी मेथी भून के रखी थी वो भी हम डालेंगे इसके अंदर. पर इसमें स्टफिंग किस चीज़ की होगी? हम यूज़ कर रहे हैं इसमें स्वीट पटेटो. ओके, तो ये सब डालने के बाद लेट्स ऐड शकरकंद, उबला हुआ शकरकंद. और इसे बस इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए इस सारे मसाले में. तो ये सब होने के बाद एक बार टेस्ट करना ज़रूरी है कि सॉल्ट एंड मसाले आर फाइन. सॉल्ट कम है बट इट इज़ स्पाइसी बिकॉज ऑफ द ग्रीन चिली. थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूंगी तो इट थिंक इट विल डू गुड. आई थिंक नाउ ये परफेक्ट बन चुका है. चलिए इसको साइड में रख के ये जो हमने डो बनाया है ना उसे एक बार नीड कर लेते हैं. तो अगर डो बहुत गर्म हो तो थोड़ा सा हाथ को पानी में डिप कर लीजिए. बस ये तो सारा कुछ एक साथ मिल के आ गया है. अब हमें इसे स्टफ करना है. तो स्टफ करने के लिए 2 छोटे पेड़े लेने हैं आपको, ठीक है, इस तरह से. और ये हम इस तरफ रख लेते हैं. एक पेड़ा हमने ले लिया, चकला या कोई भी इस तरह से बोर्ड के ऊपर या आपके किचन टॉप के ऊपर इसे बस अच्छी तरह से ना मल लीजिए. थोड़ा सूखा आटा फैला लीजिए और इसे बस अपने हाथों से इस तरह से जैसे हम कोई भी पराठा करते हैं बस उसी तरह से इसे फैला लीजिए. बहुत ज़्यादा बड़ा ना करें. सिमिलरली द अदर वन ऑल्सो. तो इसके बाद ये जो स्टफिंग हमने की थी, एक्चुअली इसमें ना मैंने एक बहुत यूनिक चीज़ डाली है भून के पाउडर करके. आपको पता है वो कौन सी चीज़ है? यही मेरा आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन है. और आप में से कोई लकी विनर्स होंगे जिन्हें मिलेगा टाटा संपन्न की तरफ से कोई गिफ्ट हैम्पर. तो बस आपको यही बताना है कि इसके अंदर प्याज हरी मिर्च के अलावा मैंने एक और मसाला डाला था भुना हुआ, वो क्या है. ओके, सो ये जो है स्टफिंग स्वीट पटेटो की, वो इसके अंदर डाल लेते हैं इस तरह से. इसके ऊपर एक और रोटी रख के हमें इसे सील कर लेना है.
अगर आप चाहो तो आप हाथ से भी इसे फैला के स्प्रेड कर सकते हो। बस ध्यान ये रहे कि जो एजेस हैं वो खुलनी नहीं चाहिए, या फिर एक कोई बेलन से इसे लाइटली बेल लीजिए। तवा भी गर्म हो चुका है और बस गर्म तवे पे इसे आपको सेक लेना है। अब इसे फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप करके भी इसकी दूसरी साइड हमें पका लेनी है। जनरली जब हम घर पे कोई भाकरी बनाते हैं इस तरह से बाजरे की रोटी, तब इसे ओपन फायर पे भी फुलाते हैं, बट क्योंकि ये एक पराठा है तो हम इसे तवे पे ही रोस्ट करेंगे दोनों तरफ। और अगर ज़रूरत पड़ी तो वी कैन ऑल्सो ऐड सम घी, इट विल जस्ट ऐड अमेजिंग फ्लेवर। पराठा कोई भी हो, सर्व अचार के साथ ही होना चाहिए या मैक्स टू मैक्स दही। तो ये तो पराठा मेरा रेडी है, इसको मैं रख लेती हूँ मेरे प्लेट में और एक और जो मैंने बनाया है उसे भी सेक लेती हूँ। पर तब तक आप क्या कर रहे हो, आप भी आपके रेसिपी की प्लानिंग कीजिए। गो गेट योर किचन, गेट योर इंग्रेडिएंट्स रेडी और आज ही बना दीजिए स्टफ़ बाजरे की रोटी। तो ये थी मेरी रेसिपी आज के लिए। अगले बार के लिए ऐसी एक्साइटिंग रेसिपीज लेके आऊँगी। And you, in case have any suggestions for me, please share. So that's all for today. Agli baar ke liye, something new I will definitely come up with. Also at the same time, don't forget to like, share and subscribe.